न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। मैं बिहार से हूं और बिहार मेरा मायका है, इसलिए मुझे भरोसा है कि धारवाड़ा में रह रही बिहार की जनता इस बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय यादव को भारी मतों से विजयी बनाकर संसद भेजेगी। यह कहना है कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय यादव की पुत्रवधु, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव चिरंजीव राव की पत्नी और लालू यादव की बेटी अनुष्का यादव का, जो आज अपने ससुर के चुनाव प्रचार के दौरान औद्योगिक कस्बा धारवाड़ा में रह रही बिहार की जनता से डोर टू डोर संपर्क साधने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से क्षेत्र व पूरे प्रदेश के लोग तंग आ चुके हैं और इस समय माहौल पूरी तरह कांग्रेसमय हो चला है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है और लोग बदलाव चाहते हैं। ऐसे में यह कहने से जरा भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि अब लोगों ने बीजेपी की सफाई का मन बना लिया है। वहीं इस मौके पर कैप्टन अजय यादव की बहन निर्मल यादव ने भी लोगों से कैप्टन यादव के समर्थन में 12 मई को मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम बदले की भावना से राजनीति नहीं करते, बल्कि जनसेवा के लिए कैप्टन अजय यादव राजनीति में हैं। अब देखना होगा कि बिहार की जनता कैप्टन अजय यादव को कितना समर्थन देती है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। किस प्रकार का यहाँ माहौल है, किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा है यहाँ पे माहौल, जैसे कि मैं आई हूँ देख रही हूँ, बहुत उत्साह भी है सब लोगों में और सब लोग चाह भी रहे कि अब मतलब पलटी होए, अब मतलब बदलाव आए यहाँ और भाजपा की सफाई होए बिल्कुल भी, और कांग्रेस को सब लोग सहयोग भी दे रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ से विकसित मिलेगा हमें। मैडम, आप बिहार से संबंध रखते हैं, यहाँ भी काफी लोग हैं बिहार के, क्या उनका सपोर्ट मिल पाएगा? हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, बिहार के लोग हैं, मेरे मायके के लोग हैं यहाँ से, तो माँ से क्या मांग सकते हैं, माँ तो आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद में मैं सबसे वोट मांगना चाहती हूँ और ये बिल्कुल मुझे मिलेगा यहाँ से। आज हम कैप्टन साहब के चुनाव प्रचार के लिए धारवाड़ा में आए हैं। धारवाड़ा कप्तान साहब का अपना घर है और हमेशा यहाँ के सभी निवासियों के सुख में दुख में वो हमेशा शामिल रहते हैं और हमारा तो सारा परिवार अपने यहाँ के लोगों से मिलता है जुलता है, उनके सुख में दुख में गमी में हम हमेशा शामिल होते हैं। यहाँ जो राजनीति है अपने इंद्रजीत सिंह है, उन्होंने अभी एक चैनल पे कहा कि मैं बदला लूंगा अपने पिताजी की हार का और अपने भाई अजीत सिंह की हार का, तो हम कहते हैं कि बदले की राजनीति नहीं खेलते हम तो कहते हैं जनता की सेवा के लिए राजनीति में है, बदला का क्या है। वो कहते हैं कि कप्तान अजय सिंह ने मेरे पिताजी के पिताजी ने मेरे पिताजी को हराया था, कप्तान साहब ने मेरे भाई अजीत को हराया था जो कि आज मेरे साथ नहीं है, मैं उनकी दोनों की हार का बदला लूंगा। तो ऐसा नहीं होता कि बदले की भावना से करें, हम कप्तान अजय सिंह सच्चे हमदर्द हैं इस जनता के, इस क्षेत्र के, आपको पता है सबको जनता को पता है कि उन्होंने कितने कार्य किए हैं यहाँ, जो भी विकास हुए कप्तान अजय सिंह के समय में हुए हैं, तो मैं जनता से अपील करने आए हैं हम लोग, हमारा सारा परिवार, मैं मेरी बहन कप्तान साहब के बेटे चिरंजीव राव की धर्मपत्नी अनुष्का मेरी भतीजी, बाकी और भी हमारे सारे परिवार के लोग जनता से यही अपील करते हैं कप्तान साहब को विजयी बनाएं और उनको आगे सेवा करने का।